क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा हीरा किस देश के पास है, और दुनिया का ऐसा पेड़ जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ा है। आज आप ऐसे ही कुछ फैक्ट जानने वाले हैं, सो वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर वन, जहां पूरी दुनिया में सांपों का आतंक है और हर साल लगभग 30 से 40 हज़ार लोगों की मौत होती है, वहीं एक देश ऐसा भी है जहां सांपों का नामो निशान ही नहीं मिलता। ये जगह यूरोप में स्थित है, आयरलैंड। यहाँ के लोगों का मानना है कि कई सौ साल पहले एक साधु ने सारे सांपों को समुद्र में भगा दिया था, तो वहीं साइंस का मानना है कि आयरलैंड में कभी सांप थे ही नहीं। नेशनल जियोग्राफी के एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि आयरलैंड में सांपों का कोई अस्तित्व ही नहीं मिलता। इससे ये पता चलता है कि आयरलैंड हमेशा से ही सांपों से मुक्त था। नंबर टू, दुनिया में एक ऐसा भी पेड़ है जिसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी और कुतुब मीनार से भी बड़ा माना जाता है। ये पेड़ कैलिफोर्निया के रेडवुड नेशनल पार्क में स्थित है। इस पेड़ की ऊंचाई 380 फीट है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 238 फीट और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 305 फीट है। इस पेड़ को साल 2006 में खोजा गया था। नंबर थ्री, आखिर क्यों लगाया जाता है एरोप्लेन में हॉर्न? ना ये किसी प्लेन को रास्ते से हटाने के लिए लगाया जाता है और ना ही किसी पक्षी को बचाने के लिए लगाया जाता है, तो क्यों लगा होता है प्लेन में हॉर्न? दरअसल ये हॉर्न इसलिए लगा होता है ताकि कोई भी खराबी या टेक्निकल फॉल्ट होने पर ग्राउंड इंजीनियर को सूचना पहुंच सके। ये हॉर्न सिर्फ इसलिए ही लगाया जाता है। नंबर फोर, किस देश में है सबसे ज़्यादा हीरा? पूरी दुनिया में सिर्फ तीन ही देश ऐसे हैं जहां बहुत ज़्यादा हीरे पाए जाते हैं, इंडिया, साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका। इस धरती पर इतना सारा हीरा है कि सभी इंसानों को एक एक कप हीरा दिया जा सकता है। खानों से निकलने वाले हीरों की उम्र 1 से 3 अरब साल होती है। गर्व की बात यह है कि हीरे सबसे पहले भारत में ही 4000 साल पहले खोजा था। नंबर फाइव, हम सभी ने पनीर तो खाया ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं ब्लू पनीर एक ऐसा पनीर है जिसकी कीमत 80,000 रुपये किलो होती है। ये पनीर सार्बिया में पाई जाने वाली गधी के दूध से बनाया जाता है। इसके 1 किलो पनीर में 25 किलो गधी के दूध की ज़रूरत पड़ती है। नंबर सिक्स, आपने किसी न किसी को तो पानी में सिक्के फेंकते हुए देखा ही होगा। ये प्रथा हिंदू धर्म में सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का साइंस पता है? पुराने समय में तांबे के सिक्के की करेंसी होती थी, ज़्यादातर तांबे के सिक्के का ही यूज़ किया जाता था। साइंस की बात करें तो ये मानना है कि तांबे को पानी में डालने से पानी की गंदगी दूर होती है। आसान शब्दों में कहें तो तांबे से पानी साफ किया जा सकता है। यही कारण है कि नदियों में तांबे के सिक्के फेंके जाते थे। पुरानी मान्यता होने की वजह से आज भी लोग इसे फॉलो करते हैं। नंबर सेवन, पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे इंसान हैं जिन्हें लगता है सबसे ज़्यादा मच्छर उन्हें ही काटते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा एक साइंटिफिक कारण की वजह से होता है। आइए जानते हैं मच्छर किन किन लोगों को सबसे ज़्यादा काटते हैं। कई बार आपने सुना ही होगा कि मच्छर मीठे खून वाले इंसान को ज़्यादा काटते हैं। ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन एक रिसर्च से पता लगा है जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है मच्छर उन्हें सबसे ज़्यादा काटते हैं। मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड से भी आकर्षित होते हैं, जो ज़्यादा जोर से सांस लेता है मच्छर उन्हें भी ज़्यादा काटते हैं। नंबर एट, चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक खाते हैं। आखिर क्या होता है चॉकलेट में जिससे लोगों को इसकी लत लग जाती है? तो ऐसा उसमें मौजूद कैफीन की वजह से होता है। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा कैफीन डार्क कलर के चॉकलेट में मिलाया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार डार्क चॉकलेट में 22.7 मिलीग्राम कैफीन मिलाया जाता है। नंबर नाइन, जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता ने मक्खियों पर एक रिसर्च की। इस रिपोर्ट के अनुसार नर और मादा मक्खियाँ एक दूसरे में अंतर नहीं कर पा रही हैं। नर मक्खियाँ मिलन के लिए नर के पास और मादा मक्खियाँ मादा के पास जा रही हैं। ये सब पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। पोल्यूशन के कारण मक्खियों में अब फेलोमोनस नाम का हार्मोन रिलीज नहीं हो पा रहा है, इसलिए मक्खियों में ये समस्या आ रही है।